हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो थ्योरम है द मैक्सिमम ऑफ अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ एलपीपी अकर्स एट लीस्ट एट वन वर्टेक्स ऑफ एस। द फेजिबल रीजन ऑफ अ एलपीपी प्रोवाइडेड एस इज बाउंडेड। हमारे पास ये दिया हुआ है कि कोई भी फंक्शन होगा उसका जो मैक्सिमम होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो मैक्सिमम होगा वो एक वर्टेक्स पे होगा, और हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि एस जो होना चाहिए वो बाउंडेड होना चाहिए। फिर इसको हम प्रूव करते हैं। लेट एक्स जीरो बिलोंग्स टू एस एंड एक्स वन इज द पॉइंट ऑफ अ एल पी पी इन एस। ये हमारे पास दिया हुआ है कि एक्स जीरो बिलोंग्स टू एस और एक्स आई जो है वो एस में ही पॉइंट है, और ये इस तरह से है कि हमने मान लिया कि जो एक्स जीरो है ना वो अपना मैक्सिमम पॉइंट है। लेट एक्स जीरो इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, हमने ये मान लिया तो एक्स जीरो पॉइंट है मैक्सिमम में। तो उसके अलावा जो और भी और पॉइंट होंगे एक्स जीरो के अलावा जो भी पॉइंट होंगे एस में, उन सभी के लिए ये फंक्शन जो एफ एक्स जीरो होगा वो इससे लेस देन एफ एक्स आई होगा, आई बराबर वन टू एन। बाकी सारे पॉइंटों के लिए एफ एक्स का मान कम होगा। अब सिंस एस इज बाउंडेड देयरफॉर द नंबर ऑफ वर्टेक्स वर्टेक्स मस्ट बी फाइनाइट फ्रेंड्स। ये एस बाउंडेड है, जैसे हम एस को बनाते हैं, हमको एस को बाउंडेड बनाना है तो उसको वर्टेक्स हम किस तरह से काटेंगे, तो वर्टेक्स की नंबर जो होगा वो फाइनाइट होगा, क्योंकि अनफाइनाइट हो जाएगा तो हमारे पास अनबाउंडेड हो जाएगा। मतलब अगर वो अनबाउंडेड है तो वर्टेक्स हमारे पता ही नहीं चलेंगे। जैसे अनबाउंडेड हम इसको कर देते हैं तो अनबाउंडेड हो गया, कुछ पता ही नहीं चला कितनी वर्टेक्स हैं। लेकिन अगर ये बाउंडेड है तो वर्टेक्स होंगी, जो वर्टेक्स ही तो बाउंड करेगा तो ये फाइनाइट होंगी, हमने ये मान लिया। लेट एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स एन वी द वर्टेक्स ऑफ एस। फ्रेंड्स हमने मान लिया कि जो एस है उसकी वर्टेक्स है एक्स वन एक्स टू एक्स एन एक्स एन तक, ये हमारे वर्टेक्स हैं। नाउ हमने जो पिछली थ्योरम थी, इससे पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि फेजिबल सेट होता है, फेजिबल सेट ऑफ द एलपीपी इज ऑलवेज कॉन्वेक्स। फिर हमने ये पढ़ लिया कि जो फेजिबल सेट होता है एलपीपी का वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है। तो कॉन्वेक्स होता है तो हम एक्स जीरो कोई पॉइंट है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा एन एक्स एन, ये लिख सकते हैं हम, जहाँ पर वेयर अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस डॉट 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 अल्फा एन इक्वल टू वन, ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में है तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स जीरो बराबर एफ अल्फा एक्स वन प्लस अल्फा वन एक्स वन अल्फा टू एक्स टू प्लस डॉट प्लस अल्फा एन एक्स एन इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं एफ अल्फा वन एक्स वन प्लस एफ अल्फा टू एक्स टू प्लस डॉट 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 प्लस एफ अल्फा एन एक्स एन। फ्रेंड्स इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये सी एल सी में चल रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में है तो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन है तो इसको हम अल्फा को बाहर लेके एफ एक्स वन प्लस एफ अल्फा टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट अल्फा एन एफ एक्स एन लिख सकते हैं इसको हम। अब फ्रेंड्स ये लिख दिया हमने
हमने अब यहाँ पे हमने पहले जो पढ़ा था वो है एफ एक्स जीरो इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स आई, मतलब एफ एक्स जीरो है वो एफ एक्स आई से बड़ा है, आई के प्रति वैल्यू के लिए बड़ा है, तो एफ एक्स जीरो इसके लिए बड़ा है। एफ एक्स जीरो अगर हम बड़ी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू पुट करते हैं इधर, तो ये क्लियरली ये छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम एफ एक्स आई यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये बड़ा हो जाएगा, सॉरी बड़ा हो जाएगा इधर, क्योंकि हम ये एफ एक्स जीरो इज ग्रेटर देन एफ एक्स आई, हम एफ एक्स जीरो से बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एल्फा वन एफ एक्स जीरो प्लस एल्फा टू एफ एक्स जीरो प्लस डॉट डॉट एल्फा एन एफ एक्स जीरो, इसको लिख सकते हैं हम एफ एक्स जीरो कॉमन ले ले, तो एल्फा वन प्लस एल्फा टू प्लस डॉट डॉट एल्फा एन एफ एक्स जीरो। और फ्रेंड्स यहाँ पे एल्फा वन प्लस एल्फा टू प्लस डॉट डॉट एल्फा एन क्या है, हमारे पास वन है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स जीरो। अब फ्रेंड्स हमने ये कोई एक अलग पॉइंट माना था एक्स, या एक्स जीरो माना था ये पॉइंट, इसके लिए भी हमने ला दिया कि एफ एक्स जीरो इज लेस देन एफ एक्स जीरो, जो अतः प्रूव हो गया कि हमारे पास जो ये हमारे पास कोई उस वर्टेक्स पे पॉइंट था, या एक्स जीरो वर्टेक्स पे पॉइंट लेके चले थे, और ये हमारे पास हो गया कि एफ एक्स जीरो जो वर्टेक्स पे पॉइंट है वो इससे लेस देन इक्वल टू कम है, मतलब ये स्पेस स्पेस सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस प्रूव।